आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेस पैक जो कि आपके चेहरे की रंगत को भी निखारता है, आपकी स्किन में फाइन लाइन रिंकल्स को रिड्यूस करने के साथ साथ स्किन को यंग, सॉफ्ट एंड स्मूथ भी रखता है। इसके साथ आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को भी फेड करता है। ये एक आयुर्वेदिक फेस पैक है जिसका इस्तेमाल पहले भी होता था और कोरियन स्किन में भी इसका यूज किया जाता है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी स्किन पे सच में काम करते हैं, चाहे आप इन्हें किसी भी तरीके से अप्लाई करें। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स को मिला के आपको इस फेस पैक को तैयार करना है और दिन में सिर्फ एक बार अपने स्किन पे कभी भी आप यूज कर सकते हो। ये सिर्फ एक फेस पैक आपकी स्किन पे 5 से 6 प्रोडक्ट से भी ज्यादा बेनिफिट्स देता है। स्किन को मिलता है एक चमकता हुआ एंड ग्लोइंग निखार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो कैसे तैयार करना है आपको इस फेस पैक को, अब यहाँ से वीडियो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको लेना है मुलैठी पाउडर। मुलैठी एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जिसके सेवन से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप इसे खाते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में या आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और अगर आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये आपकी त्वचा से पिगमेंटेशन या डिस्कलरेशन को रिड्यूस करके आपकी स्किन को इवन करता है, एक समान रंगत प्रोवाइड करता है, स्किन को निखारता है और स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है। इसके साथ एक मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है जिससे आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन मिलता है। सो आपको 1 टेबल स्पून मुलैठी पाउडर का यूज करना है। ये मैंने अमेजोन से बाय किया है, आपको मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी मिल जाएगा या आप मार्केट से भी पता कर सकते हैं। मुलैठी पाउडर बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलता है तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच मुलैठी पाउडर का यूज किया है। अब इसमें ऐड करना है थोड़ी सी हल्दी, तो ये मैं वाइल्ड टर्मरिक कस्तूरी हल्दी का उपयोग कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो जो किचन में आप हल्दी यूज करते हैं उसकी भी थोड़ी सी मात्रा यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये वाली हल्दी यूज करते हैं तो इसमें क्वांटिटी का ऐसा कुछ इशू नहीं होता, आप कितनी भी मात्रा ले सकते हैं। ये आपकी स्किन पे कलर लेके नहीं आती है बट बेनिफिट बहुत अच्छा देती है। वो हल्दी भी बहुत काम की होती है, उसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक्ने या पिंपल को क्योर करती हैं। इसके साथ ही आपकी स्किन में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है उसे भी ठीक करती हैं, बट थोड़ी सी क्वांटिटी लेना अदरवाइज फिर आपका चेहरा पीला पड़ जाता है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ी सी हल्दी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है नेचुरल सैलिसिलिक एसिड। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये इंग्रेडिएंट आपके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। रोज डेली आप थोड़ा सा टमाटर लेके अपनी स्किन पे रब कर लीजिए, आपको पिंपल और एक्ने कभी नहीं होंगे चाहे आपकी स्किन कितनी भी ऑयली हो। थोड़ा सा टमाटर जूस ऐड करने के बाद नेक्स्ट हमें लेना है लेमन या फिर ऑरेंज। लेमन या ऑरेंज हर किसी की स्किन के लिए काम नहीं करता, कैसे, अगर आप उसे डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो। इसे यूज करना है तो किसी भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज करिए और क्वांटिटी थोड़ी रखिए ताकि आपकी स्किन में कोई इरिटेशन या फिर एलर्जी ना पैदा करे। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं आप थोड़ा सा नींबू लिया है और इसको इस तरीके से हम इसमें स्क्विच कर देंगे तो करीब 6 से 7 ड्रॉप्स यहाँ पे लेमन जूस की इसमें ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा मिल्क, दही, गुलाब जल, पानी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर दीजिए और इसे मिक्स करते हुए इसका DIY फेस पैक तैयार कर लीजिए। ये फेस पैक कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप अपने बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर उनकी स्किन पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है या उनका कलर डल हो चुका है, स्किन टैन हो गई है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप उनकी स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। इसे डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है। आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पे कोई भी मेकअप नहीं है, पूरी स्किन क्लीन है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जब भी आप इस फेस मास्क को अप्लाई कर रहे हैं आपकी स्किन पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई मेकअप नहीं। अगर आप बाहर से आए हैं तो अपनी स्किन को अच्छे से आप फेस वॉश कर लें, कोई भी क्लींजर यूज कर लें या फिर आप गुलाब जल या फिर किसी भी टोनर से अपनी स्किन को वाइप कर सकते हैं। और अगर आप अभी सिर्फ 26 या 27 साल के हैं और आपकी स्किन पे यहाँ पे फाइन लाइंस, रिंकल या यहाँ पे नजर आने लगे तो इसके लिए भी फेस पैक बहुत अच्छे से काम करेगा। बस आपको डेली से रात में इस तरीके से अप्लाई करना है और 15 मिनट बिना किसी स्ट्रेस के ऐसे ही लीव कर देना है। 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से ड्राई हो जाएगा। अब हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे और उसके बाद हमें देखना है रिजल्ट। सी द रिजल्ट, ऐसा लग रहा है कि हमने 4 से 5 स्टेप को कंप्लीट किया है। फेस बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, स्मूथ है, हाइड्रेटेड भी है
एंड स्किन में जो एकदम से ग्लो आया है ना, वो आपको फेशियल करवाने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो एक स्टेप के थ्रू आप 4 से 5 स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं और आपको मिलेगी एक चमचमाती हुई ग्लोइंग स्किन। अगर आप इस फेस पैक को अपने स्किन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको इसे यूज करना है रात में सोने से पहले, और 15 मिनट अप्लाई करने के बाद देन आप अपना कोई भी सीरम या मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे अप्लाई करिए और रात भर स्किन को ऐसे ही लीव कर दीजिए। सुबह आपको देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन काफी हद तक हेल्दी हो रही है और एक हफ्ते के अंदर ही आपको इसका परिणाम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन है वो भी फेड होने लगेगी, दाग धब्बे भी रिड्यूस होने लगेंगे और आपकी स्किन काफी यंग, ग्लोइंग एंड स्मूथ नजर आने लगेगी। हम सब स्किन की किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कोई भी हेल्दी स्किन के साथ जन्म नहीं लेता है। हर किसी की प्रॉब्लम उसके स्किन टाइप पे डिपेंड करती है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि हर एक प्रॉब्लम पे काम करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको अप्लाई करने के बाद इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिलता है और कुछ का रिजल्ट हमें धीरे धीरे करके नजर आता है, लेकिन ये फेस पैक आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी देगा और इसके कुछ बेनिफिट आपको धीरे धीरे करके भी दिखाई देंगे। वीडियो को सेव कर लेना और आज ही इस फेस पैक को ट्राई करके जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।